चले टपटप करे जिया धका धप जोनी के को नहीं कूदे टपटप करे जिया धका धप जोने के को नहीं कूदे टपटप करे जिया धका धप जोने के को नहीं कूदे टपटप करे जिया धका धप कौनो के एक आँखी कौनो के दुदुगो 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 जोने के एको नहीं ताके टका टप करे जिया धका धप जोने के एको नहीं ताके टका टप करे जिया धका धप ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धप ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धप कौनो के एक हाथ कौनो के दुदुगो कौनो कौनो के एक हाथ कौनो के दुदुगो कौनो के एक हाथ कौनो के दुदुगो जोने के एको नहीं मारे चटा चट करे जिया धका धप जोने के एको नहीं मारे चटा चट करे जिया धका धप ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धप बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धप करे धका धप जिया करे 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 धका धप ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक करे जिया धका धप ऐसा बारात नहीं अभी तक कर दिया धरा। अब ई बारात देख करके पूरा हिमाचल प्रदेश के बच्चे सन्नाटा में हो गए। ई बारात गया हिमाचल राजा के दरवाजे पर तो अपने अपने देश का नियम अलग अलग होता है। मैना आई आरती के लिए और जैसे महादेव को देखा महादेव की आंखें विशाल विशाल महादेव को देखकर आ मैया गई थी आरती करने बेहोश हो गई। इतना खतरनाक ई इतना बौरहवा बर के साथ हमार गौरा ब्याह नहीं है। हमारे गौरा के ब्याह भले ना होई लेकिन ऐसे बौरहवा के साथ हमारा दुल्हा हमारा हमारी गौरी नहीं ब्याही जाएगी हमारी पार्वती नहीं ब्याही जाएगी। अब भोले बाबा के उग्र रूप को देखा मैया बेहोश नारद जी अगुआ है। अगुआ लोग बड़ा घबराते जब ले बियाह शादी न हो जाए। नारद जी आए पानी का छींटा लगाया मैया जाग गई और जागने के बाद मैया पार्वती को अपनी गोद में लेके अब रो रो के अब नारद जी को उंगली दिखा दिखा के क्या कह रही हैं सब लोग सुने प्रेम से हरिओ कहे में तू फुरी दिहला गौरा के बाबा जला तुम पर बऊरा तू पूरी बिहला गौरा के बाबा हो जला तू पर बऊरा हो कर मैं तू पूरी बिहला गौरा के बाबा जला तू बर बऊरा है हो कहे मैं तू फोरी दिहला गौरा के बाबा खुजला तू बर बऊरा हो कहिया चल के बाबा धमैना सहुरवा रहिया चल के बाबा लुरेना सहुरवा रहिया चल के बाबा धमैना सहुरवा धमी खाए दूसरना आहार हो रहिया चल के बाबा लगे ना सऊरे बा
ही खाए दूसरे ना आहार हो। साथी बाबा झोला नहीं साथी बाबा गौरा नहीं बिया के साथी बाबा गौरा नहीं बिया पली गौरा रही है कुमारे हो। नारद जी ने देखा कि महादेव के इस रूप को देख के मैया डर गई। सुनारद जी, अरे सरकार, हमने बहुत देखा मंडप से बारात घूमते, आपका भी यही हाल होगा। लोग हंसेंगे कि भोले बाबा देवादिदेव महादेव का बरतीय घूम गया, सुंदर बनिए। तब महादेव सुंदर रूप बनाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अजय से महादेव सुंदर रूप बनाए मैया, आज आरती की है, महादेव को मंडप में ले जाया गया है। और उस मंडप में महादेव का विवाह संस्कार आरंभ किया। अजय से ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ पंडित जी लोगों ने कि आपके पिता कौन हैं, बाबा कौन हैं और परपाजा कौन है। पूछा कि पिता पितामह प्रपितामह का नाम बताओ तीन पीढ़ी। नारद जी ने कहा कि अपने पिता को ब्रह्मा को बना लीजिए। कहा ब्रह्मा, दूसरा प्रपितामह बाबा, पिता पितामह कौन है, तो कहा विष्णु को बना लीजिए। अब कहा कि प्रपितामह का नाम, नारद जी ने सोचा दो ही थे, दोनों को बता दिया, तीसरा कौन है। सो नारद जी भग गए वहां से। महादेव घूम के देखते हैं तो नारद है या नहीं है। अब इधर बाबा लोग का जल्दी बताइए, मुहूर्त बीत रहा है। त्रिशूल उठाए महादेव, उस नर्मदा के कहने से पिता बनाया ब्रह्मा को और पितामह बनाया विष्णु के। और तुमको नहीं पता है कि ना हमारा कोई माई है ना बाप है ना कोई, हमारा पिता है ना ही बाबा है, हम खुद है सबके दादा है। अब महादेव क्रोधित जब हुए तो विवाह करा दिया ब्राह्मणों ने। कैसे विवाह हो रहा है, मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनु शिव। इस तरह से सांगो पांग विधि से मैया पार्वती के संग भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ। भोले बाबा के संग मां पार्वती का, बोल पार्वती पति महादेव की जय हो, पार्वती पति महादेव की जय हो। तब आज महादेव विवाह के बाद पार्वती जी को लेकर अपने दिव्य सिंहासन पे सिंहासनासीन हुए। और सिंहासनासीन हो जाइए महादेव जी, सिंहासनासीन हो रहे महादेव, पार्वती के संग विराजे। अब सब लोग दिव्य दर्शन भी करते रहे माँ पार्वती महादेव का। और झांकी वैसे नहीं देखी जाती है, महादेव आए हैं, कुबेर भंडारी हैं, तो जजमान जी चलें कुछ नेछावरी करें, उसके बाद जो लोग यहाँ पहुंचे वो भी नेछावरी करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो लोग भी जो सामान लेके आए हो महादेव के विवाह में दे दीजिए।